हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो मेरा मोगरा के प्लांट पर है। मोगरा प्लांट बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, समर का परमानेंट प्लांट तो है ही, साथ ही बहुत ही खूबसूरत से इसके फ्लावर होते हैं। जितने खूबसूरत से इसके फ्लावर होते हैं उतनी ही इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। अगर आसपास मोगरा का प्लांट लगा हो तो इसकी सुगंध से दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ कहीं मोगरा का प्लांट लगा है। मोगरा के फ्लावर से सेंट भी बनाया जाता है और इसके फ्लावर से माला बनाकर भगवान के मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे मोगरा के प्लांट की लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। इस समय पे काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और बारिश मोगरा के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इस टाइम पर मोगरा का प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर कुछ फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा फ्लावर नहीं हैं जितने कि मुझे चाहिए। मोगरा के प्लांट की आप अगर सही से केयर कर लेंगे तो मोगरा पर बहुत ज़्यादा फ्लावर एक साथ खिलते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मोगरा प्लांट आपने अगर अपने गार्डन में लगाया है तो पॉलिनेटर्स भी बहुत अच्छी मात्रा में आपके गार्डन में आते हैं। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं, मेरे प्लांट पर भी इस समय पर बटरफ्लाई बार बार आ रही है जो कि इसके फ्लावर से रस ले रही है। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, मेरे प्लांट पर अक्सर बहुत सारी बटरफ्लाई आती रहती हैं, तो ये सब देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। मोगरा के प्लांट पर आपको कुछ एक फ्लावर ही चाहिए तो इस तरह से आपके प्लांट पर तो फ्लावरिंग होती रहेगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर चाहिए तो आपको भी मेरी तरह अपने प्लांट की पहले गुड़ाई करनी होगी और उसके बाद ये DAP के कुछ दाने हैं, इनको महीने में एक बार अपने प्लांट में देते रहिए और इससे आपके प्लांट पर भर भर कर फ्लावरिंग होगी। मोगरा के प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो जिससे हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो मोगरा के प्लांट पर अगर आप DAP दे रहे हैं तो महीने में एक बार, या और कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 15 दिन में एक बार ज़रूर से फर्टिलाइज़र देते रहिए, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी और हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होगी। मोगरा के प्लांट पर DAP देने के बाद फुल वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई फर्टिलाइज़र देना है तो उसके बाद वाटरिंग ज़रूर से करें। अगर हम वाटरिंग नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट उस फर्टिलाइज़र की वजह से बर्न हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। जब हम अपने प्लांट को फुल वाटरिंग कर देते हैं तो हमारा प्लांट जो भी फर्टिलाइज़र हमने दिया है उसको अच्छे से ले लेता है और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। मोगरा के प्लांट को आप जब भी फर्टिलाइज़र दें तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ही देना चाहिए, क्योंकि यह समय हमारे प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मौसम ठंडा होने की वजह से हमारे प्लांट रेस्ट में होते हैं और इस समय पर हम जो भी अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं वो प्लांट बहुत ही अच्छे से ले लेते हैं। लेकिन अगर हम दिन के समय में अपने प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं तो हमारा प्लांट शॉक में आ जाता है, क्योंकि उस समय पर प्लांट पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, प्लांट अपने लिए खाना बना रहा होता है। जब हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं तो प्लांट एकदम शॉक में आ जाता है और उसकी सारी प्रक्रिया रुक जाती है। तो आप समझ सकते हैं जब प्लांट को खाना ही नहीं मिलेगा या खाना बना नहीं पाएगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी और प्लांट एकदम शॉक हो जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अपने प्लांट को अगर फर्टिलाइज करना है तो उसके लिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा प्लांट कोई भी काम नहीं कर रहा हो, वो रेस्ट पर हो। मोगरा प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए एक बात और बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो जो भी प्लांट पर फ्लावर खिल चुका होता है उसको समय पर रिमूव करते रहिए, क्योंकि मोगरा के जो फ्लावर हैं वो हमेशा न्यू ब्रांच पर खिलते हैं। जब एक बार फ्लावरिंग हो चुकी हो तो उस ब्रांच की पिंचिंग कर देनी चाहिए। पिंचिंग का फ़ायदा ये रहता है कि जहाँ से हम अपने प्लांट की पिंचिंग करते हैं वहाँ से बहुत सारी नई ब्रांच निकल कर आती हैं, और जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारे प्लांट पर बड्स बनती है और फिर हमारे प्लांट पर उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। मोगरा के प्लांट से सूखे हुए फ्लावर और सूखी हुई ब्रांच हटाते रहना चाहिए, और जिससे आपके प्लांट पर बहुत सारी ब्रांच भी आएंगी और फिर उतनी ही अच्छी आपकी
फ्लावरिंग होगी। आप देख सकते हैं मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है। ये मेरा पिछले साल का प्लांट है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ भी रही है और काफ़ी इस प्लांट ने फ्लावरिंग भी की है। तो आप देख सकते हैं इस समय पर कुछ एक फ्लावर ही हैं, तो इसीलिए मैंने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ किया है और फिर अब आप देखना इस प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। मॉनसून के समय में तो वैसे भी मोगरा प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छे इस प्लांट की ग्रोथ हो गई है और इसकी लीव्स भी काफ़ी बड़ी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी लीव्स है। मोगरा का प्लांट मेरा फेवरेट प्लांट है। इस प्लांट को तो मैं हमेशा अपने गार्डन में रखना चाहती हूँ क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है और इस प्लांट की वजह से पॉलिनेटर्स भी काफ़ी मेरे गार्डन में आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह सुबह हम जब सोकर उठते हैं और जब अपने प्लांट पर या फिर फ्लावर्स पर तितलियों को बैठे हुए देखते हैं तो देखकर मन खुश हो जाता है। जब ऐसा माहौल हमें सुबह में अपने गार्डन में देखने को मिलता है तो ये देखकर हमारा मन भी ऊर्जा से भर जाता है। जब हम अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगाते हैं तो इनकी ग्रीनरी से बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब बनती है जो कि हमारे घर के माहौल को भी पॉजिटिव बनाती है। तो इसलिए कुछ प्लांट्स अपने गार्डन में ज़रूर से लगाने चाहिए और जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं उसके लिए मोगरा का प्लांट बेस्ट प्लांट होता है क्योंकि ये परमानेंट प्लांट तो है ही, साथ ही बहुत ही अच्छी अच्छी फ्लावरिंग करता है जिसको देखकर आपका मन वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।